और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार का परीक्षण MIRV के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण ली हो। 5 साल पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया था, लेकिन विरोध के बाद ये कानून ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने CAA लागू करके बहुत बड़ा दांव चल दिया। हालांकि इसके साथ ही पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी में पुलिस की टीम जगह जगह तैनात हो गई और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। असम के गुवाहाटी शहर में भारी संख्या में पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान तैनात दिखाई दिए। कुछ संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। CAA पर नोटिफिकेशन जारी होते ही उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। राजधानी लखनऊ में पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करती नजर आई। उत्तर प्रदेश में DGP ने संवेदनशील जिलों में ज्यादा फोर्स की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए। पूरे राज्य में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी करने के भी निर्देश दे दिए गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट हो गई। शाहीन बाग इलाके में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट हो गई। सोशल मीडिया पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी। लोगों से झूठी और भ्रामक पोस्ट शेयर न करने की अपील की गई। दिल्ली का शाहीन बाग वही इलाका है जो 2019 में CAA के खिलाफ प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। लेकिन CAA को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेता CAA के मुद्दे पर भिड़ गए। BJP ने केंद्र सरकार के फैसले को बहुत बड़ा कदम बताया, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस फैसले को BJP का सियासी खेल बता दिया। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है CAA, नागरिक संशोधन बिल। एक खेल आखिरी खेल उनका चल रहा है, अब जब तक चुनाव है तब तक CAA खेलेंगे, खेलने दो। इधर BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ वारंट जारी हो गया। मालेगांव धमाका मामले में आरोपी BJP सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ NIA कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान खराब सेहत का हवाला देकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, लेकिन अदालत ने उनकी ये दलील नामंजूर कर दी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले 2 दिन जम्मू कश्मीर के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तरी कश्मीर में चट्टान खिसकने को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी। बेंगलुरु में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद बढ़ गया। कर्नाटक सरकार ने दावा किया कि कावेरी नदी के पानी पर उनका अधिकार है और वो तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं देंगे। कावेरी नदी का जलस्तर गिरने की वजह से ही बेंगलुरु में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां के सिलीगुड़ी में उस वक्त बवाल हो गया जब संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में BJP के छात्र संगठन ABVP ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस वालों से भी उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया और दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शन में शामिल ABVP के कई कार्यकर्ता पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की लाठियों से बचने के लिए भागते दिखाई दिए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों पर डंडों की बारिश करते नजर आए। कुछ लोग तो बचकर भाग निकले, लेकिन जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शन में शामिल एक लड़के पर लाठी बरसाते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते और उन पर लाठी चलाते नजर आए। पुलिस से बचने के चक्कर में एक प्रदर्शनकारी तो गिर गया, इसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर खातिरदारी की। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस वाले ABVP के कार्यकर्ता को पकड़े नजर आए। वो लोग उसे धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते रहे, तभी अर्धसैनिक बल का एक जवान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने उस पर लाठी चला दी। लाठी लगते ही वो प्रदर्शनकारी मुंह के बल सड़क पर गिर गया। बाद में पुलिस के लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चोट की वजह से वो बेसुध दिखाई दिया।
और बाद में उसे उठाकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। यह हंगामा तब हुआ जब संदेश खाली के मुद्दे पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता राज्य की ममता सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाए पुलिस के बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एबीवीपी के लोग बैरिकेड को जोर जोर से हिलाते दिखाई दिए। थोड़ी देर में उन लोगों ने बैरिकेड को गिरा दिया। इसी वजह से पुलिस ने हालात संभालने के लिए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात नजर आए। पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की। इस पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और वो पुलिस के जवानों से ही भिड़ गए। लेकिन जब बात बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठा उठा कर हटाते नजर आए। हम विद्यार्थी कार्यकर्ता है, विद्यार्थी कार्यकर्ता के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं देखिए आप लोग सब। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाकर हालात को संभाल लिया। यही नहीं, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया। लेकिन संदेश खाली पर बंगाल में सियासी बवाल जारी रहा, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। सिलीगुड़ी में यह सारा बवाल बंगाल में टीएमसी के 42 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के अगले ही दिन हुआ। और एक बार फिर संदेश खाली का मुद्दा गर्मा गया। संदेश खाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसिरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और टीएमसी ने वहां से 2019 में जीत हासिल कर चुकी नुसरत जहां का टिकट काट दिया और हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया। और कहा गया कि इसकी वजह संदेश खाली विवाद है, क्योंकि नुसरत जहां पर संदेश खाली मामले की अनदेखी का आरोप लगा था और इसी वजह से नुसरत जहां का टिकट कट गया। संदेश खाली की भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहां के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और यहां भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इस बीच संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, क्योंकि कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका पर ही सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और कोर्ट के इस रुख से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। इसके बाद ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट